हेलो हेलो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की बोले श्री सतगुरु महाराज की प्राणाधार आत्मसंबंधी सुंदर साध जी कल की चर्चा में हमने श्रवण किया कि कारण महाकारण और कार्य क्या है ब्रज लीला में हमने किस तरह से श्री कृष्ण जी के साथ अपने प्रेम संबंध को निभाया किस तरह से ग्यारह वर्ष बावन दिन की अवस्था में विष्णु जी के माध्यम से अनेक असुरों का संहार हुआ उस ग्यारह वर्ष बावन दिन की अवधि में लीला करने वाले तथा एक सौ बारह वर्ष तक लीला करने वाले दोनों कृष्ण भिन्न भिन्न किस तरह से हैं जिसको हम त्रिधार इला का रहस्य कहते हैं उसके भी कुछ प्रसंग कुछ प्रमाण हमने सुने जैसा कि शिव जी के द्वारा दर्शन के लिए लालायित होना ब्रह्मा जी के द्वारा परीक्षा लेना इंद्र के प्रकोप से ब्रजमंडल की रक्षा करना इत्यादि और उसके बाद हमने सुना कि बावन दिन की जुदागी के बाद किस तरह से योगमाया में जाकर नया किशोर तन धारण करके श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई जैसा कि हमने कल ही सुना था कि बावन दिन की जुदाई एक तैयारी है पूर्व तैयारी है क्योंकि उसके द्वारा उस बावन दिन की जुदाई में कृष्ण जी के वियोग के दुख और उसकी चरम सीमा विरह में तड़पा करके उन जीवों को जिनके ऊपर ब्रह्मात्माएं बैठकर लीला कर रही थी उन्हें पूर्ण रूप से निर्मल करना है तभी वे जीव महाराष्ट्र के आनंद के अधिकारी बन सकते हैं इसीलिए बावन दिन की जुदागी एक तरह से तैयारी थी अब कृष्ण जी ने जैसे ही बांसुरी बजाई तो जहां तक मुझे याद है कल की चर्चा में मैंने कहा था कि तामसी सखी राजसी सखी और सातसी सखी का नाम आया कि तामसी राजसिया चली सातसिया शरीर छोड़ के मिली इस तरह से वर्णन आता है क्या कहा गया है कि बासुरी की धुन सुनते ही तामसी सखियों ने तो तुरंत ही शरीर छोड़ दिया राजसी सखियों ने सोचा कि थोड़ा श्रृंगार कर लेते हैं इतने समय के बाद में प्रियतम से मिलने जा रहे हैं हम थोड़ा अच्छा दिखें तो थोड़ा सज धज करके जाते हैं ऐसा सोचकर उन्होंने श्रृंगार करने की शुरुआत तो की पर ध्यान उनका श्रृंगार में नहीं बल्कि उस धुन में है कि कृष्ण जी से मिलने जाना है इसीलिए आधा अधूरा उल्टा पुल्टा श्रृंगार किया कहते हैं कि एक का आंख में काजल लगाई है एक आंख में नहीं लगाई है पैर के उंगली में डालने वाली वीटी अंगूठी को कान में घुसा रहे हैं इस तरह से उल्टा सीधा आधा अधूरा श्रृंगार किया और श्रृंगार करते करते उन्होंने भी तन छोड़ा और स्वात सी सखी चूंकि वाणी में प्रसंग आता है कि जब कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई रात्रि का समय था कोई सखी दूध दोह रही थी कोई सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कोई सखी अपने घर वालों को भोजन करा रही थी कोई अपने बच्चे को नहला रही थी कोई स्वयं नहा रही होंगी इस तरह से अनेक कार्यों में मस्त व्यस्त सखियाँ थी लेकिन कृष्ण जी की बांसुरी की धुन सुनते ही अब तामसी राजसी किस तरह से गए और स्वातसी सखियों ने क्या सोचा कि पति हैं सास ससुर हैं समाज वाले हैं लोग क्या कहेंगे हम कृष्ण जी से मिलने गए तो इसका परिणाम क्या होगा ये सोच करके उन्होंने थोड़ा समय तो गमाया पर वे भी रुक नहीं पाई टिक नहीं पाई और कुछ समय के बाद वो भी दौड़ी अब उनको पकड़ने के लिए उनको रोकने के लिए घर वाले भी पीछे पीछे दौड़े पर भागते भागते तन उन्होंने छोड़ दिया और तन छोड़ करके योगमाया में जा के मिली अब इसमें प्रश्न ये होता है कि ब्रह्म सृष्टि तो त्रिगुणातीत है उन्हें तामसी राजसी और सातसी क्यों कहा गया है कैसे कहा गया है क्या ब्रह्म सृष्टियों में भी तमोगुण होता है क्या उनमें भी रजोगुण होता है इस तरह के प्रश्न होना स्वाभाविक है इसका समाधान क्या है कि कोई भी गुण जो है किस अवस्था में कार्य आ रहा है उस पर निर्भर करता है उसका अच्छा या बुरा होना इस ब्रह्मांड में जो जो भी पदार्थ है उन सभी पदार्थों का प्रयोग सकारात्मक भी किया जा सकता है नकारात्मक भी किया जा सकता है जैसे एक बिच्छू है बिच्छू का जो जहर है उसको कौन अच्छा बताएगा लेकिन उसी बिच्छू के जहर से कैंसर की दवाई बनाई जाती है सांप के जहर से भी कई तरह की औषधियां बनती है गंदे से गंदे पदार्थ से कही न कहीं ना कहीं मनुष्य अपने आवश्यकता की चीजों की पूर्ति कर लेता है यहाँ तक कि मनुष्य के मल पर से भी आजकल तो बायोगैस का निर्माण कराया जाता है तो सोचिए कोई भी चीज पूरी तरह से बर्बाद नहीं है हमारे शरीर को तीनों गुणों की आवश्यकता होती है पर तीनों गुण साम्य अवस्था में होने चाहिए मतलब जिसकी जितनी आवश्यकता है यदि तमोगुण होगी ही नहीं तब नींद ही नहीं आएगी हमें फिर कुछ समय के बाद में शरीर साथ देना छोड़ देगा रजोगुण की कमी हो जाएगी तो क्या होगा हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे सक्रियता से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे और सतोगुण की कमी होगी तो क्या होगा हमारे ऊपर तमोगुण और रजोगुण के संस्कार उनके प्रभाव इस तरह से हावी हो जाएंगे कि हम मनुष्य न रह करके राक्षस की तरफ पहुंच जाएंगे राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ पहुंच जाएंगे इसलिए तीनों गुणों का अपना अपना महत्व है अब प्रसंग में आते हैं कि उन ब्रह्म सृष्टियों को तामसी और राजसी और सातसी की कैटेगरी में वर्ग वर्गीकृत क्यों किया गया है जिस तरह से वैसे तो तमोगुण बुरा माना जाता है तमोगुणी होना तामसी होना क्योंकि तामसी व्यक्ति का स्वभाव है कि वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है जैसे भेड़ होती है ना सीधे चलती उसको पता टकराने पर क्या होगा ये भी वो नहीं सोचती है इस तरह की प्रवृत्ति होती है तमोगुणी लोगों की वैसे तो ये तो बुरा है पर यहां ब्रज से जा रास में जाते समय कृष्ण जी की बांसुरी की धुन को सुनकर के जिन सखियों ने परिणाम की चिंता नहीं की अपना तन छोड़ने में उनको तामसी सखी कहा गया तमोगुणी नहीं तामसी सखी कहा गया है राजसी सखी किसको कहा गया है रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति में थोड़ी श्रृंगार की प्रधानता होती है थोड़ा सज धजना थोड़ी चंचलता होती है तो जिन सखियों ने थोड़ा इस तरफ ध्यान दिया कि प्रियतम से इतने समय के बाद मिलने जा रहे हैं थोड़े श्रृंगार कर लें तो उनको रजोगुणी रा... नहीं राजसी सखी कहा गया और सतोगुणी व्यक्ति बहुत सोच समझ करके चिंतन करके एक एक पांव फूंक-फूंक करके ग्रहण करता है वो ये भी सोचता है कि मेरे वचनों से किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा, मेरी क्रिया से मेरे कार्य से किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी ये सब सोच करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो सतोगुणी है पर जहाँ बात आए समर्पण की कुर्बानी की बलिदान त्याग की वहाँ भी सोचने समझने लग जाए वहाँ भी परिणाम के विषय में सोचने लग गया कि राज्य के प्रति समर्पण तो करना है पर हमारे भविष्य का क्या होगा हमारा क्या होगा तो ऐसा सतोगुण किसी काम का नहीं है तो वहां जिन सखियों ने पहले सोचा कुछ समय के लिए कि दुनिया वाले क्या कहेंगे सास ससुर पति इत्यादि क्या कहेंगे गांव समाज के लोग क्या कहेंगे लेकिन फिर भी उनसे रहा तो नहीं गया खैर तो जो सबसे बाद में गए ये सब सोच करके उन्हें कहा गया सात सी सखी अब योग माया में प्रवेश किया प्रश्न ये होता है कि योग माया क्या है योग माया वह स्थान जहां अनादि ब्रह्म अपनी अनादि माया के साथ लीला कर रहा है उसे योग माया कहते हैं योग माया की भूमिका में अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का स्वरूप है केवल ब्रह्म वहां पर इन्होंने प्रवेश किया जहां राजी बाके बिहारी स्वरूप कृष्ण जी का तन धारण करके बांसुरी लेकर के अब बैठे हैं उथले वचनों के साथ उथले वचन का मतलब ताना मारना व्यंग्य कहना राजी ने क्या कहा कि जब पहली बार उन्होंने बावन दिन की जुदागी होने से पहले जब उन्होंने वृंदावन चलने की पेशकश की थी कि चलो वृंदावन चलते हैं तो हमने क्या कहा था कि हम तो कुलवधु हैं पतिव्रता स्त्री हैं और आप पर पुरुष हो उसी बात को लेकर के कृष्ण जी ने ताना मारा कि सखियों, तुम तो कुलवधु पतिव्रता स्त्री हो और पतिव्रता स्त्री का पति चाहे कैसा भी हो चाहे वो लूला हो लंगड़ा हो अंधा हो कोढ़ी हो बहरा हो बात बात पर क्रोध करने वाला क्रोधी हो झगड़ालू हो पर पतिव्रता स्त्री को अपने ऐसे अवगुणी पति को भी छोड़ना नहीं चाहिए और अभी तो रात्रि का समय है आप लोग अपने अपने पति को छोड़कर के कैसे आ गए क्यों आए अब देखिए बावन दिन की जो जुदाई थी ये तो हमारे लिए एक सिलेबस था पाठ्यक्रम था और ये परीक्षा थी परीक्षा फल है रास का आनंद पास होने पर तो हमारी परीक्षा ली गई अपनी निस्बत की पहचान की परीक्षा लेनी है तो हमने क्या कहा अवगुणी पति न मुकी तो गुणी मुकी केम क्या आपकी बात ठीक है कि अवगुणी पति को छोड़ना नहीं चाहिए तो आप खुद ही बताइए कि जब अवगुणी पति को नहीं छोड़ना चाहिए आप तो हमारी आत्मा के पति हैं प्लस आप गुणी भी हैं गुणों के सागर हैं आपको हम कैसे छोड़ दें अब पहचान हो गई निस्बत की पहचान है राज्य की पहचान है लेकिन घर की पहचान नहीं है ब्रज में इसलिए क्या कहा कि कछुक नींद कछु जागृत हो योग माया के ब्रह्मांड को आधी नींद और आधी जागृति वाला कहा गया घर की पहचान नहीं पर धनी की पहचान है पीयू की पहचान है अब रासग्रंथ में जब हम देखते हैं तो रासग्रंथ में शुरुआत के पांच प्रकरण तो माया से संबंधित थे भावसागर से संबंधित थे जीव को प्रबोधने से संबंधित थे पर उसके बाद ठाकुरानी जी के राज्य की और ब्रह्म सृष्टियों के श्रृंगार के बाद में राज्य ने क्या किया प्रकरण आता है वृंदावन दिखाने का वृंदावन में भ्रमण कराया और भ्रमण के साथ साथ में लीलाएं होनी शुरू हुई इसको हम रास लीला के नाम से जानते हैं पर मैं एक बात यहां पर इस मंच के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि रास लीला के नाम पर समाज में अभी घनघोर विकृति है बिल्कुल नकारात्मक रूप में अश्लील रूप में इसका अर्थ लिया जाता है जैसा कि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में जो एक बाह्य शरीर के आकर्षण का जो संबंध होता है उसको रास लीला की संध्या संज्ञा दी जाती है जबकि रास किसे कहते हैं रसो वही सह आत्मा और परमात्मा के बीच में होने वाली आनंद की लीला जब प्रगट होती है क्योंकि आनंद प्रगट होना चाहिए ब्रह्म अपने घनीभूत स्वरूप में आनंद का स्वरूप तो है ही पर आनंद को उसने ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से प्रकट किया हुआ है ना परमधाम में भी इसी तरह से हृदय में जो आनंद है वह बाहर प्रगट होने लग जाए तो वही रास है वही आनंद है और रास ग्रंथ में रास की वाणी में अनेक प्रकार की रामतों का वर्णन है करे रमिए, कोणिये रमिए, फिर रामत कर ताल निरे इस तरह से अनेक प्रकार की रामतों का वर्णन है कोई आम के आम का पेड़ बन जाती है कोई सखी अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं में बंधते हुए रामत करती है अब दुनिया एक तो रास को गलत रूप में नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करती है और जो लोग उस तरह से प्रस्तुत नहीं करते वो भी केवल डांडिया खेलने को ही रास समझते हैं पर यह भी सही नहीं है डांडिया एक प्रकार का नृत्य है जो गुजरात की तरफ अत्यधिक प्रचलित है पर आनंद को प्रकट करने का साधन केवल नृत्य ही नहीं होता है हम खेल करके भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं खा करके भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारे साधन है ना और रास में खेल भी हो रहा था नाटक भी कर रहे थे नाच भी रहे थे खा भी रहे थे यमुना जी में स्नान भी कर रहे थे ये सभी जो है आनंद को प्रकट करने के कुछ अलग अलग साधन है अलग अलग माध्यम है जिसको रास कहा गया है इसको दुनियावी लौकिक रूप में नहीं लेना चाहिए अब इस तरह से प्रेम आनंद की लीला होते होते रास की लीला होते होते अब राज्य भूमिका बांध रहे हैं कि अक्षर को भी तो दिखाना है अक्षर क्या सोच रहे हैं कि मैं परम धाम में हूं अक्षर को लग रहा है कि ये जो आनंद दिख रहा है वो परमधाम का है ब्रह्म सृष्टियों को भी लग रहा है कि हम अब ये जो लीला हो रही है उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ है ब्रज का तो चलो पता है कि ब्रज में नहीं है पर वो जो रास की लीला को ही सब कुछ समझ बैठे हैं अब ये अक्षर को भी शुद्ध देनी है ब्रह्म को तो खैर जुदाई ही दिखानी थी तो जी ने क्या किया वाणी में प्रगट वाणी में एक चौपाई आती है कि फेर मूल स्वरूप देखा इत ए दो मगन हुए खेलत जब जोश लियो खेचकर तब चित्त चौक भई अक्षर कौन बन कौन सखिया कौन हम यो चौक के फिरी आतम राज्य ने जब देखा कि ये दोनों तो मग्न हुए पड़े हैं उन्होंने अपना आवेश खींच लिया अब आवेश खींचते ही चूंकि हमारा संबंध तो राज्य के साथ है इसलिए हमें लगा कि राज्य कहां चले गए अक्षर ब्रह्म उस तन में है पर अक्षर ब्रह्म क्या देख रहे हैं कौन ये वन कौन सा है ये सखियां कौन सी है और मैं कौन हूं क्योंकि परम धाम में अक्षर ब्रह्म और राज्य का श्रृंगार तो एक जैसा है स्वरूप एक जैसा है हम कहते हैं ना स्वरूप एक है लीला दो तो स्वरूप एक जैसा है लेकिन रास में राज्य का जो श्रृंगार है रास वाले स्वरूप का उसमें उन्होंने सूथनी पहना हुआ है उसमें उनकी चोटी गुथी हुई है और परमधाम में बाल कैसे हैं? परम धाम में तो घुरा बाल हैं तो देख रहे हैं कि ये तो कि ये किसका स्वरूप है और जब उन्होंने ऐसा सोचा तो क्या हुआ तब चित्त चौंक फिरी अक्षर अक्षर ब्रह्म की भी सुरता वहां से हट गई इधर अब अक्षर ब्रह्म की लीला अपने हिसाब से चालू है ब्रह्म सृष्टियों की लीला अलग से चालू है अब जैसे ही राज्य अंतर्ध्यान हुए ओझल हुए कुछ सखियां तो वहीं पर बेहोश हो गई उसमें श्यामा जी का भी नाम आता राधा जी का भी अब सखियां कृष्ण जी को ढूंढने लग गई वन वन में ढूंढ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी को कहीं देखा पर जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहा है उसके बाद इन्होंने सोचा सखियों ने कि कृष्ण जी को ब्रज की लीला अत्यंत प्रिय है तो हम उसका अभिनय करके उसका नाटक करके एक बार प्रयास करते हैं कि कहीं कृष्ण जी हमारे सामने आ जाए तो इन्होंने नाटक करने का सोचा सब लोग अलग अलग भूमिका में है कोई अगासुर कोई बकासुर कोई पूतना इधर कोई नंद यशोदा इस तरह से अलग अलग रूप इन्होंने धारण किए नाटक के और उसके बाद ब्रज की लीला का अभिनय करना शुरू कर दिया ब्रज लीला का अभिनय करते करते समस्त ब्रजलीला हो गई अब ब्रज से रास में प्रवेश करना है तो एक लाइन खींच दी एक तरफ इन्होंने मान लिया ये काल माया है दूसरी तरफ मान लिया कि ये योग माया है और फिर चूंकि कृष्ण जी के रूप में इंद्रावती जी अभिनय कर रही थी इंद्रावती जी ने पूरे दिल से राज्य को याद किया पुकारा और कहा कि बस मेरी लाज रखना और बांसुरी में फूंक देने ही वाले थे इतने में जी वहाँ पर प्रगट हो गए और जी ने जी जैसे ही प्रगट हुए हमने पूछा कि आप कहाँ गए थे जी ने कहा हमारे मेरे और तुम्हारे बीच में एक पेड़ आ गया था एक वृक्ष आ गया था वो वृक्ष और कोई नहीं एक तरह से राज्य की पहचान न होने के कारण रास में जो एक सूक्ष्म अहंकार का बीज था कि कई सखियों को लग रहा था कि राज्य तो हमारे वश में हो गए हैं वह अहंकार का बीज ही यहाँ वृक्ष रूप में आया है सामने पर यह सब तो एक बहाना है असली मकसद क्या है अक्षर ब्रह्म को ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली आनंद की लीला को दिखाना है कि इनके साथ ऐसी लीला होती है अब राज्य प्रगट हो चुके हैं अक्षर की सुरता भी है अब उस स्वरूप को क्या कहा है प्रगट वाणी में आया स्वरूप कर नए श्रृंगार भजनानंद सुख लिए अपार प्रश्न ये होता है कि इससे पहले के श्रृंगार और अब वाले श्रृंगार में क्या फर्क है और यदि नया श्रृंगार करके आए तो उस श्रृंगार का वाणी में वर्णन क्यों नहीं है अलग से कोई श्रृंगार करके नहीं आए थे पर होता क्या है एक आप साइकोलॉजिकल रूप से समझिए कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं बहुत अधिक उसको आप थोड़ी देर भी उससे अलग होते हैं और उसके बाद मिलते हैं तो वो उस व्यक्ति के साथ में हमारा क्योंकि प्रेम बहुत ज्यादा है वो व्यक्ति कुछ और सुंदर दिखने लगता है उस व्यक्ति के प्रति और अधिक आकर्षण हो जाता है तो वह प्रेम का ही आकर्षण है जिसके कारण हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो स्वरूप है वो और अधिक सुंदर है अलग से कोई श्रृंगार नहीं है और भजनानंद किसे कहा गया भजन का मतलब भक्ति करना होता है ना संसार में नौधा भक्ति की तो बात करते ही हम पर यहां भजनानंद का तात्पर्य ये है कि विरह के बाद वो जो कुछ समय की जुदागी हुई थी उस समय में जिन सखियों ने विरह किया वह विरह ही वास्तव में भजन है और उसके बाद जब जी आए तो उसके बाद प्रेम की लीला का आनंद कुछ और बढ़ गया इसलिए उसको कहा गया भजन आनंद सुख लिए अपार उसके बाद बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रामते हुई जैसे पहले चल रही थी फिर सभी सुंदर साथ ने सभी ब्रह्म सृष्टियों ने राज जी ने यमुना जी में स्नान किया स्नान के पश्चात सभी ने भोजन किया और भोजन कराते कराते कृष्ण जी ने पूछा कि सखियों तुम्हें वृंदावन कैसा लगा हमने कहा शमशान घाट जैसा शमशान घाट जैसा क्यों तो कहते हैं कि जहां आप और हमारे बीच में एक पल की भी जुदाई हो वह तो हमारे लिए कैसा है शमशान घाट जैसा है अब क्या किया जाए तो क्या कहते हैं हवे वाला हूँ एटलू मांगू खिण एक अलगा न थिये जी हाँ अमने विरह नहीं चालू ते घर जाइए कि धाम धनी हे प्रियतम अब हम इतना ही मांगते हैं कि जहाँ आप और हमारे बीच में एक पल की भी जुदाई ना हो आप हमें ऐसे घर पर लेकर के चलिए अब ऐसा घर कौन सा है तो प्रकाश हिंदुस्तानी के पहले प्रकरण की पहली चौपाई कहती है कछु इन विध रास खेल फिरे घर रास देखने के पश्चात रास लीला में आनंद लेने के पश्चात हम वापस परमधाम में गए परंतु अभी माया देखने की इच्छा समाप्त नहीं हुई है जितना बढ़ा चढ़ा करके राज्य ने बताया था कि माया में ये जुदाई होगी ये मृत्यु देखने को मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा तुम तो पत्थर की आग पानी की पूजा करोगे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ब्रज में भी सभी ब्रह्म सृष्टियां साथ में थी कृष्ण जी भी साथ में थे भले ही बावन दिन की जुदागी हुई पर वो तो बहुत कम लगी रास में भी कृष्ण जी साथ में थे ब्रह्म सृष्टियां भी साथ में थी इसलिए हमने राज्य से जिद की कि हमें तो वो वाली माया देखनी है जिसमें जुदाई भी है जिसमें मृत्यु भी है क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि मृत्यु क्या है तो इस तरह से हमने जिद की और हमारी जिद को पूरा करने के लिए जी ने इस तीसरे ब्रह्मांड को रचने का आदेश दिया उसके बाद तीसरे ब्रह्मांड में बीतक के हिसाब से यदि हम चौपाई लेकर के चले तो यहां की चौपाई है रासलीला खेल के आए बरारब में अरब में आए अक्षर की सूरता अरब में आई पर अरब में कब आई हाँ जी अरब में तो यदि ईस्वी सन के हिसाब से देखा जाए तो ईस्वी सन पांच सौ सत्तर में ठीक है आपको नोट करना है बच्चों को कर सकते हैं सन पांच सौ सत्तर में परंतु उधर ये जो ब्रह्मांड बना ब्रज लीला के बाद जब ब्रह्म सृष्टियों ने रास में योग माया में प्रवेश किया इधर इस मंडल का जिस पृथ्वी पर हम आए थे उसका लय हो गया वैसे बोलचाल की भाषा में उसको लय होना अथवा महाप्रलय होना भी लिखा है तो चूंकि श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला का रहस्य भी समझना है इसलिए भले ही भी तक में वो चौपाइयां नहीं आई है पर वश में आपको बता रहा हूं कि ब्रह्म सृष्टियां परमधाम चली गई ब्रह्म सृष्टियों की लीला अलग से है जिनका वर्णन आगे किया जाएगा परंतु त्रिधा लीला को समझने के लिए अभी हम उस प्रसंग को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं जो रासलीला हुई वो कहां पर हुई केवल ब्रह्म में अक्षर की बुद्धि का स्थान उसको अखंड किया गया सबलिक के महाकारण में और अक्षर ब्रह्म की इच्छा है कि जिस ब्रजमंडल में मैं शामिल था वह भी तो ब्रह्मलीला है उस ब्रह्मलीला को भी अखंड कर दिया जाए तो उसको भी सबलिक के कारण में अखंड किया गया जिसके लिए वाणी कहती है अक्षर चित्त में ऐसो भयो ताको नाम सदा शिव कयो, जो अखंड ब्रजमंडल है उसके लिए ये शब्द इस चौपाई का प्रयोग किया गया है अब सबलिक के महाकारण में जो रासलीला अखंड हुई है सेव हुई है उसकी मिरर इमेज जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं उसका प्रतिबिंब पड़ा अव्याकृत में और अव्याकृत में किसका स्थान है वेदों का वहाँ वेद जो है वैसे तो हम परंपरागत रूप से अब आप ये मत सोचना कि हर परंपरा का खंडन किया जा रहा है पर बात थोड़ी लॉजिकल भी हो है ना देखिए हमने परंपरागत रूप से जो नक्शे बनाए हैं पुराने उसमें योग माया के ब्रह्मांड में पांच वेद दिखाए हैं ठीक है चार वेद ऋग साम और अथर वेद पांचवा वेद हमने लिखा है स्वसं वेद वाणी में कहीं ऐसा ऐसी चौपाई नहीं है एक तरफ तो हम कहते हैं कि स्वसंवेद जो है वो कौन सी है यो तो हमारी वाणी है अब वाणी अव्यकृत में कैसे आ गई जिस वाणी में परम धाम के खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का वर्णन है रंग पर वाली मंदिर में होने वाली मारीफत की लीला तक का वर्णन है उसका स्थान हमने अव्यकृत में बना दिया तो स्वसंवेद का वहां होना तो बिल्कुल भी सैद्धांतिक नहीं है और दूसरी बात स्वसम के अतिरिक्त भी जो हम वेदों का स्थान बता देते हैं वहां वेद चार ग्रंथों के रूप में नहीं है वहाँ ज्ञान चेतन रूप में किताब के रूप में नहीं है वहां कौन सा प्रिंटिंग प्रेस है किताब छापने के लिए तो वहां ज्ञान रूप में है और योग माया में जो भी पदार्थ है वह प्रत्येक पदार्थ चेतन रूप में है और चेतना का लक्षण क्या है सब चेतना का सबसे पहला लक्षण है इच्छा वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर चेतना के विषय में बताया गया है सांख्य दर्शन में बताया गया है तो चेतना का सबसे पहला लक्षण है इच्छा तो वहां कोई भी चेतना इच्छा प्रकट कर सकती है तो इसी सिद्धांत के चलते वेदों के वेद जो ज्ञान रूप में है उनके मन में इच्छा होना स्वाभाविक है मैं इसलिए ज्ञान रूप में कह रहा हूं किताब रूप में नहीं है सोचिए इस संसार में भी चार ग्रंथों के रूप में तो वेद जी ने बांटा है वेद जी कब हुए कलयुग के प्रारंभिक चरण में अथवा द्वापर युग के अंतिम चरण में वेद जी हुए जिन्होंने उन वेदों को चार ग्रंथों के रूप में बांटा इससे पहले केवल एक श्रुति परंपरा में लोग सुन सुन करके याद किए जा रहे थे पर जो कैटेगरी बांधने का काम किया कि इसको हम यजुर्वेद कहेंगे इसको हम ऋग्वेद कहेंगे इसको हम सामवेद कहेंगे इसको अथर्ववेद कहेंगे उनकी विशेषताओं के हिसाब से ये कार्य लिखित रूप में करने का कार्य किया व्यास जी ने तो योग माया में ग्रंथ के रूप में नहीं है वहाँ ज्ञान रूप में चेतन है और जिन्होंने उस रास के आनंद को देखते हुए ये इच्छा प्रकट की कि हमारे साथ भी ऐसी प्रेम और आनंद की लीला हो तो अब उनकी भी इच्छा पूरी करनी है ठीक है तो ये जो नया ब्रह्मांड बना है जिस ब्रह्मांड में अभी हम रह रहे हैं क्योंकि द्वापर युग से रास में गए आगे शुरुआत होगी तो वहीं से होगी तो ये जो पृथ्वी लोक का निर्माण हुआ उसमें लीला कहां से शुरू होती है किसी को पता है जहां समाप्त किया गया था वहीं से लीला आगे बढ़ती है कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी इसको यदि मोटे तौर पर समझना है तो शरद पूर्णिमा की रात्रि से समाप्त हुई थी शरद पूर्णिमा की रात्रि से ही यहाँ पर शुरू होती है ग्यारह वर्ष बावन दिन की ब्रज की लीला हो गई कृष्ण जी के द्वारा ब्रह्म लीला राज्य के द्वारा हुई अब उसके बाद रास में गए रास की सारी लीला के विषय में हमने सुना इधर अब उसी लीला को जारी रखते हैं लोक की लीला को तो अब जो नया ब्रह्मांड बना उसमें ब्रजवधुओं के जो तन थे ब्रजवधु मतलब जिनके अंदर ब्रह्म सृष्टिया थी उन तनों में नए जीव आए हैं और सूरताएं उनके अंदर आई वेदों की सुरताएं जो वहां ज्ञान रूप में है उन्होंने ही आनंद लेने के लिए अपने आप को बारह हजार रूपों में बांटा उसको हम वेद ऋचाएं कहते हैं प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कहीं ऐसी चौपई आती है ना तो उनको वेद ऋचाएं कहा गया है उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों का स्थान लिया और जो कुमारी का सखिया है उनके जीव अभी पूरी तरह से निर्मल नहीं हुए थे क्योंकि उनको तो बावन दिन की जुदाई नहीं दिखाई गई थी तो उनके जीव को अखंड तो करना है परंतु विरह में निर्मल किए बिना अखंड नहीं किया जा सकता इसलिए उनको भी विरह दिखाना है तो उसके लिए भूमिका पहले से बंधी जा रही क्योंकि हम छोटी दृष्टि से देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों किया गया ऐसा भी तो हो सकता था वैसा भी तो हो सकता था पर राज्य को जैसा करना था उन्होंने वैसा ही किया क्योंकि आगे उनको अखंड किया जाना है तो उन्होंने कुमारी का सखियों का ही स्थान लिया मतलब स्वयं उनके जीव आए और अब हो गए छत्तीस हजार बारह हजार और चौबीस हजार कुमारी का सखियों के जीव उनके साथ अब लीला करने के लिए कौन आएगा रास की लीला में जो शामिल था वही रास की लीला का आनंद दे सकता है लेकिन अब चूंकि उनके साथ ब्रह्म सृष्टियों के जैसा राज्य के साथ संबंध था वैसा संबंध तो नहीं है इसलिए राज्य उनके साथ लीला नहीं करेंगे राज्य को ही लीला करनी होती तो उनके लिए भी भूमिका बनाते योग के ब्रह्मांड में ही करा देते पर योगमाया के ब्रह्मांड में लीला जो अखंड है उस अखंड लीला के अंदर श्री कृष्ण जी का जो तन है उसकी शक्ति ने इधर प्रतिबिंब वाले कृष्ण जी के तन में प्रवेश किया और उन सखियों के साथ में अब यहां पर इस वाले वृंदावन में रास की लीला हुई और दुनिया किसको जानती है भागवत में भले ही योग माया शब्द आया है भागवत के दसम स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मन चक्रे योगमाया उपाश्रिता दृष्टवा कमुद्वंत अखंड मंडल रमानभ नवकुमकुम आुण वनम च तत्को मलगोभिरंजित जगौ कलम वादा मनोहर मंडल है वो योग माया का ब्रह्मांड है पूर्ण मासी का चंद्रमा उगा हुआ है इस तरह से भागवत में वर्णन तो किया है पर वो वर्णन वास्तव में योग माया का नहीं है जिस तरह से रास की वाणी में योग माया का वर्णन किया है सुखदेव जी ने जो कहा वह अखंड योग माया का वर्णन ही नहीं है क्योंकि हम क्या कहते हैं वाणी में तब भागे जोश कहे पंच अध्यायी तो जोश ने वर्णन नहीं कराया है उन्होंने यहां का आश्रय लेकर के क्योंकि इस इस रास की लीला को भी प्रतिबिंब की रास लीला कहते हैं ना जहां प्रतिबिंब है तो बिंब कहीं ना कहीं होगा अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो मेन ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं तो होगा ही तो ये जो प्रतिबिंब है इसका मूल कहीं ना कहीं होगा केवल ये संकेत देने के लिए भागवत में वर्णन किया गया है रास में जैसा वर्णन है वैसा कहीं पर भी नहीं है तो उन्होंने वर्णन किया यहां का अब उनके साथ में रास की जो लीला हुई प्रतिबिंब की इसके लिए भी कई जगह पर ऐसे प्रसंग आते हैं कई कई जगह पर उसको छः महीने की रात्रि से भी बेहतर छः महीने की रात्रि से भी बड़ी रात्रि बताया है छ महीने की रात्रि से बड़ी इसलिए बताइए एक आलंकारिक वर्णन है कि बहुत महान बताने के लिए बहुत महिमावान बताने के लिए उसको कहा गया छह महीने से भी लंबी रात्रि छह महीने से लंबी रात्रि प्रैक्टिकली संभव नहीं है कोई कहता है कि उसके लिए एक प्रमाण दिया जाता है जो बोलचाल में समाज में प्रचलित है कि कोई तेली था उसके पास छह महीने पीसने के लिए तो सरसों रखे हुए थे और उसने उस एक ही रात में सारा पीस करके समाप्त कर दिया सरसों तो खत्म हुए बैलों की कैपेसिटी नहीं होती है क्या छह महीने तक लगातार चलते रहेंगे अगर सरसों खत्म हो रहे हैं छह महीने के तो ये सब एक सुनी सुनाई बात है सैद्धांतिक रूप से ये सही नहीं है केवल उसकी महिमा को दर्शाने के लिए बताया कि ये बहुत लंबी है बहुत बड़ी है जितनी महिमा छह महीने की है उतनी ही महिमा उस एक रात्रि की है ऐसा बताया जा रहा है अब उसके बाद प्रतिबिंब की राशलीला समाप्त हो गई सुबह हुआ जब सुबह हुआ तो जितने भी जितनी भी सखिया है जितनी भी गोपियां हैं वे सभी अपने अपने घरों में पाई गई अब कोई भी भागवतकार हो इस संसार में कितना भी बड़ा हो उसको ये सवाल पूछा जाए अगर उसके पास तारतम वाणी का ज्ञान नहीं है तो उसको ये पूछा जाए कि जो गोपियां हैं वो जब बांसुरी बजी थी तब तो उनके तन छूट गए थे लेकिन सुबह वो अपने अपने घरों में कैसे पाई गई इसका जवाब किसी के पास नहीं है क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि तो ये जो बना है वो तो नया ब्रह्मांड ही नया है और इस ब्रह्मांड में अब सवाल ये हो सकता है किसी के मन में कि जब नया ब्रह्मांड बना नए जीव आए तो फिर लीला वहीं से कैसे शुरू हो सकती है तो ये वैसे ही शुरू हो सकती है जैसे कल की चर्चा में हमने सुना था कि ब्रह्मा जी के द्वारा हरण किए जाने पर ग्वाल बाल बछड़ों का हरण किए जाने पर कृष्ण जी ने जो नए ग्वाल बाल बछड़ों का निर्माण किया था उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तू उस घर में जाना तुझे तुझे उस माता से ऐसा व्यवहार करना नहीं उनकी लीला से इस तरह से वो प्रकट हुए कि उनको अपने आप पता है कि कैसा करना है इसी तरह से जो लीला पहले चल रही थी वही लीला वैसे के वैसी, वही की वैसी वहीं की वहीं से अब आगे बढ़ी और इस दिन से रास की जो रात्रि है प्रतिबिंब की उसके बाद से ग्यारह दिन तक होने वाली लीला को प्रतिबिंब की लीला कहते हैं इसको कुछ लोग बोलचाल में गोलों की शक्ति भी बोल देते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि इसको गोलो की शक्ति बोलना उचित नहीं है क्योंकि गोलोक का मतलब गायों का लोक होता है वह हो ब्रजमंडल है रास को गायों का लोक नहीं कहा गया है और इसमें जो शक्ति आई है वो रास मंडल से आई है तो अब उस शक्ति के साथ में ग्यारह दिन की लीला हुई जिसमें क्या कहा है वाणी में सात दिन गोकुल में रहे चार दिन मथुरा के कहे अब उधर कंस जो है वो अलग अलग राक्षस राक्षसियों को तो भेजता ही आ रहा था लेकिन अब उसने सोचा कि अब किसी से ये कार्य नहीं होगा कृष्ण को मारने का काम अब मुझे ही करना पड़ेगा तो उसने एक यज्ञ का बहाना किया और उनको बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा गए और अलग अलग तरह से समझा बुझा करके कृष्ण और बलराम जी को वो लेकर करके आए और चार दिन तक वो रहे मथुरा में मैं थोड़ा संक्षेप में कहानी कह रहा हूँ क्योंकि कहानी तो हम हर बार सुनते ही रहते हैं तो उन चार दिनों में कृष्ण जी और बलराम जी ने कृष्ण जी ने सबसे पहले क्या किया धनुष को तोड़ा फिर कुबल या हाथी को मारा कंस के चार पहलवान थे चाणूर मुष्टिक शल और तोशल उन चारों पहलवानों का संहार किया उसके बाद में कंस का भी संहार किया गया इस तरह से ग्यारह दिन लगभग व्यतीत हो गए फिर क्या किया वसुदेव देवकी के लोहे भान उतारियो भेख कियो स्नान जब राजबागे को कियो श्रृंगार तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार सबसे पहले वसुदेव देव की अपने जो माता पिता हैं तन के लौकिक उनको जेल से छुड़ाया उग्रसेन जी को भी जेल से छुड़ाया और कलश में एक चौपाई आती है कि टीका दिया उग्रसेन को भय दिनचार छोड़ वसुदेव भेक उतारिया या दिन थे अवतार उग्रसेन जी को राजतिलक देने के बाद में अब अगले दिन यमुना जी में स्नान करते हैं और पुराने जो ग्वाले के वस्त्र होते हैं उनको उतार करके नंद बाबा को दे देते हैं कि इसको ले जा करके राधा जी को दे देना और स्वयं राजसी वस्त्र पहनते राज बागे का श्रृंगार करते हैं और उस नंद बाबा को दिए गए उन वस्त्रों के साथ में अब जो प्रतिबिंब की शक्ति थी जो रास बिहारी श्री कृष्ण जी की शक्ति थी वह भी राधा जी के साथ चली जाती है इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि कपड़ों में शक्ति थी और उतारने के बाद चली गई ये एक घटना बताई गई कि जिस समय ऐसा हुआ उस समय कृष्ण जी की शक्ति राधा जी के पास चली गई कपड़ों के साथ साथ नहीं गई ठीक है अब दो लीला हो गई पहली ब्रह्मलीला दूसरी प्रतिबिंब की लीला और तीसरी विष्णु भगवान की लीला अब यहां से शुरू होती है कंस का संहार हुआ ऐसा संदेश पा करके अब कंस के जो ससुर कहे जाते हैं जरासंधे है मगध मगध के राजा मगध का मतलब पता है सबको वर्तमान में जो बिहार राज्य है ना हमारा बिहार राज्य को प्राचीन इतिहास में मगध के रूप में वर्णित किया गया है तो वहां के वो राजा थे और उन्होंने अब मथुरा को घेर लिया अब तक अब अवतार की लीला वैसे शुरू हुई नहीं है शक्ति दोनों जा चुकी है ब्रह्म लीला पहले समाप्त हो चुकी है प्रतिबिंब की लीला भी समाप्त हो चुकी है है तो विष्णु भगवान ही पर अभी लीला जाहिर नहीं हुई लीला कब से शुरू होती है आए जरासंध मथुरा घेरी सही तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई यो याद करते आया विचार तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार जब जरासंध ने अपनी सेना के साथ में मथुरा को घेर लिया कृष्ण जी को चिंता हुई कि अब कैसे निपटा जाए क्या किया जाए और चिंता करते करते उनको याद आया कि अरे मैं तो विष्णु स्वरूप हूँ मेरी शक्ति ऐसी नहीं है कि मुझे डरने की आवश्यकता पड़ जाए चिंता करने की आवश्यकता पड़ जाए उनको अपनी शक्ति का एहसास हुआ अनुभव हुआ जैसे हनुमान जी का प्रसंग आता है ना रामायण में कि उनको शक्ति उनको तो याद दिलानी पड़ी थी इनको तो चिंतन करते करते स्वयं ही याद आ गया अब उन्होंने जरासंध की सेना के साथ में युद्ध किया पर जरासंध की जो सेना है वह भी बहुत अधिक है मात्रा में भी अधिक है और सैन्य सैन्य बल भी अधिक है तो कृष्ण जी ने सोचा कि ये बारंबार युद्ध होता है युद्ध में दोनों तरफ से निर्दोष मारे जाते हैं निर्दोष का मतलब क्योंकि सैनिक जो लड़ते हैं वो तो वेतन के लिए लड़ रहे होते हैं उनका तो व्यवसाय है उनकी तो वो रोजी रोटी ही वही है लोभ राज्य का लोभ या फिर अहंकार तो राजाओं को होता है ना कहीं ना कहीं कृष्ण जी सोचते हैं कि राजाओं के युद्ध में व्यर्थ में जनता क्यों मरे कृष्ण जी का अंतिम समय तक प्रयास यही रहता है कि युद्ध को टाला ही जाए तो बेहतर है हाँ जहां बात नहीं बनती है बात बिगड़ती हुई दिखती है तो वहां पर योद्धा के रूप में भी आते हैं देखिए कृष्ण जी का जो चरित्र है पुराणों ने उसका हनन किया है हनन करने का मतलब कम किया है और यदि कृष्ण जी के वास्तविक चरित्र को आपको देखना है तो आप महाभारत और गीता को देखिए कृष्ण एक ऐसा चरित्र है उसके बालपन से लेकर के अंतिम अवस्था तक की हर लीला को हम शिक्षा के रूप में ले सकते हैं अभी कल परसों में कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बच्चों को पूछा कि कृष्ण धर्म करते हैं कि अधर्म करते हैं अमूमन हर व्यक्ति का यही जवाब होगा कि कृष्ण जी अधर्म तो नहीं करेंगे कृष्ण जी तो धर्म ही करेंगे पर यह जवाब भी पूरी तरह से सही नहीं है कृष्ण जी धर्म नहीं करते कृष्ण जी जो करते हैं वही धर्म हो जाता है कुछ भी कर रहे हैं वो वो धर्म हो जाता है कभी भी उनसे गलती हो ही नहीं सकती इसलिए उनको लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है वो योगेश्वर है अब देखिए बाल लीला से लेते हैं बाल्य अवस्था में उन्होंने जितना प्रेम का व्यवहार किया माता के साथ में और जितनी भी गोपियां हैं उन सब के साथ में स्नेह भाव से तो आज भी माता अपने बच्चे को कन्हैया कहकर बुलाती है कान्हा कहकर के बुलाती है युवा अवस्था में गुरुकुल गए एक विद्यार्थी के रूप में भी जिन ग्रंथों को सीखने में लोगों को वर्षों लग जाते हैं देखिए वेद इत्यादि पढ़ना हो किसी को तो सामान्य रूप में अष्टाध्यायी रटाया जाता है याद कराया जाता है फिर प्रथमावृत्ति काशिका महाभाष्य फिर शिक्षा कल्प छंद निरुक्त ज्योतिष पढ़ाया जाता है उन सब को पढ़ाने के बाद में जब व्याकरण आदि समस्त पूरा होने के बाद में भी अंग उपांग आदि पढ़ाए जाते हैं फिर वेद पढ़ाए जाते हैं इसमें कोई बहुत तेज बुद्धि का व्यक्ति हो जो औसत से ऊपर कम से कम 140 या 150, 160 आईक्यू वाला जो व्यक्ति हो वो अगर अच्छी तरह से मेहनत करे तब भी उसको कई वर्ष लग जाते हैं कम से कम पाँच से सात वर्ष तो उसको व्याकरण समझने में लगता है और कृष्ण जी ने कुछ लोग कहते हैं कि कितने लगभग अस्सी या चौरासी दिनों में उन्होंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया था शांतिपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के मित्रता का धर्म देखना हो तो उन्होंने जो मित्रता धर्म निभाई सुदामा के साथ में ऐसी मित्रता का धर्म आज तक किसी ने भी नहीं निभाई होगी शायद इसी तरह से जब वो राजनीतिज्ञ के रूप में आते हैं उन्होंने देखा कि क्योंकि मथुरा तो बहुत छोटा ही राज्य है ना जरासंध के मगध के आगे तो बहुत छोटा राज्य है उन्होंने अपनी जनता की रक्षा के लिए अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी राजधानी को यहाँ से बहुत दूर हटा करके कहाँ ले गए द्वारका गुजरात लेके गए यूपी से देखिए राजनेता के रूप में जब आए बिना लड़े ही उन्होंने महाभारत का युद्ध पांडवों को जिता दिया किन के विरुद्ध कौरव के विरुद्ध जिसमें द्रोणाचार्य को इच्छा मृत्यु का वरदान है नहीं द्रोणाचार्य को जब तक उनके हाथ में हथियार है कोई नहीं हरा सकता भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है अश्वत्थामा सात चिरंजीव में से एक है अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा ये तीनों कौरव पक्ष में है कर्ण जैसा योद्धा है और उसके बाद संख्या बल में भी लगभग डेढ़ गुना है बिना हथियार उठाए महाभारत का युद्ध जिता दिया है संगीत के क्षेत्र में देखें बांसुरी बजाई उन्होंने तो आज कोई कितना भी अच्छा बांसुरी बजाने वाला हो उसको कॉम्प्लीमेंट देना हो तो लोग क्या कहते हैं कि देखो ये इतना अच्छा बजाता है तो कृष्ण जी कैसे बांसुरी बजाते होंगे उनके जैसी बजाने वाला तो कोई नहीं है तो हर फील्ड में जिस क्षेत्र में उन्होंने हाथ डाला उस हर क्षेत्र में उन्होंने सफलता प्राप्त की है ऐसे ही उनको अवतार की श्रेणी अवतार की शोभा नहीं मिली है और वो योगेश्वर है हर कार्य कुछ भी कर रहे हो वो तो विचलित नहीं होते हर अवस्था में वो विचलित नहीं होते महाभारत के युद्ध में क्या उनको बाण नहीं लगे होंगे सारथी थे ना वो तो अर्जुन से भी आगे रहते थे उनको कितने ही बाण लगते थे पर मुस्कुराते हुए उन बाणों को वो निकालते हैं तो हर क्षेत्र में चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो चाहे पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो चाहे नॉलेज का क्षेत्र हो आजकल के हिसाब से मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना उन्होंने जो मोटिवेशनल स्पीकिंग का कोर्स दिया एक बार गीता के रूप में आज पाँच हजार वर्ष के बाद भी उतना ही वैलिड है तो इस तरह से ये जो कृष्ण जी की महिमा है ये महाभारत में आपको जानने को मिलता है आप पुराण पढ़ेंगे ना तो पुराण एक्चुअल में पुराण का क्या है कि पुराण किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है और विशेष रूप से अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने कुछ लालची लोगों को जो उस समय संस्कृत भाषा का ज्ञान रखते थे उन लोगों को अपने पक्ष में मिला करके धर्मग्रंथों में बहुत सारी मिलावटें कर दी है इसलिए पुराणों में जो भी अश्लीलता है पुराणों में जो भी विकृति है इसका कारण मिलावट होना है इसीलिए कृष्ण जी का चरित्र हमें जानना हो तो हमें महाभारत को देखने की आवश्यकता पड़ती है खैर महाभारत में भी मिलावटें तो बहुत सारी है पर फिर भी कृष्ण जी के चरित्र में कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि दाग लगाया गया है महाभारत के अंदर तो ये तीन लीला के विषय में हमने जाना जिसको हम त्रिधा लीला कहते हैं पहली लीला ग्यारह वर्ष और बावन दिन की ब्रह्म लीला दूसरी लीला ग्यारह दिन की जिसमें सात दिन गोकुल में चार दिन मथुरा में इसको कहेंगे प्रतिबिंब की लीला और तीसरी जो लीला है लगभग एक सौ बारह वर्ष की वह है अवतार की लीला अब हुआ क्या कि दुनिया में विष्णु जी के अवतारों के सिलसिले में जो 11 वर्ष दिन की ब्रह्म लीला थी वो भी ढक गई इसलिए दुनिया क्या सोचती है कि उसको पता ही नहीं उसको ये 11 वर्ष दिन का का 112 वर्ष वर्ष पता नहीं वो तो ये 123 124 वर्ष की जो लीला है उसको एक ही मानती है इसलिए किरणतन की वाणी क्या कहती है कि ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरम्यान सो फेर आए अपनी प्रगट करी पहचान वह अक्षरातीत पर धामधनी श्रीराज जी पुनः इस जागनी के ब्रह्मांड में आकर के अपनी पहचान दे रहे हैं और वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि वह लीला केवल अवतार की लीला नहीं है अवतार कौन सी है अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगट्य जेह जेल में जन्म लेने वाला अवतार है पर वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कही अवतार वो अवतार नहीं है जेल से निकाल निकलने के बाद ही अवतार की लीला अब उस समय के लिए रुक जाती है नंद बाबा के घर में राज्य की शक्ति ने प्रवेश किया सुसूरत धनी को ले आवेश नंद घर की प्रवेश उसके बाद 11 दिन की जो लीला है वो प्रतिबिंब की है और 112 वर्ष की लीला टिका दिया उग्रसेन को भय चार छोड़ वसुदेव भे या दिन थे अवतार इस तरह से देखिए पहले भी अवतार और बाद में भी अवतार एक ही कृष्ण जी के नाम से दो अलग अलग अवतार हुए हैं पर हाँ विशेषता क्योंकि पहले अवतार में लीला हुई नहीं बस जन्म लिया लेकिन एक तरह से सैंडविच बना दिया ब्रह्म लीला को इधर भी विष्णु भगवान ने जन्म लिया है और उसके बाद में भी विष्णु भगवान है तो बीच में जो ब्रह्म लीला हुई दुनिया उसको नहीं पहचान पाई बिना तारतम ज्ञान के कोई भी इस रहस्य को नहीं खोल सकता है बहुत सारे प्रश्न हैं आप भागवत खोलेंगे तो अः बीतक के अंदर भी सूरत के प्रसंग में भागवत के 40 प्रश्नों का वर्णन आता है उन 40 प्रश्नों के माध्यम से भी हम जान सकते हैं त्रिधा लीला के कुछ रहस्यों को भागवत के कुछ रहस्यों को तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि स्वामी जी ने जो टीका की है बीतक की उन उस टीका में आखिर में भागवत के 40 प्रश्न भी दिए गए हैं हाँ आपको उन प्रश्नों का उत्तर भी चाहिए तो आप ज्ञान मंजूषा नामक बहुत छोटी पुस्तिका है आप उस पुस्तिका को पढ़ सकते हैं ज्ञानपीठ के वेबसाइट में भी जहां तक मुझे लगता है वह उपलब्ध है ज्ञानपीठ का जो मोबाइल ऐप है एसपी के नाम से उस ऐप में भी ये साहित्य उपलब्ध होना चाहिए तो उसमें पढ़ करके आप उन चालीस प्रश्नों को जान सकते हैं अब अवतारों की लीला भी समाप्त हो गई अब हम आते हैं वापस कलयुग में तो हमने पहले ही ये जाना कि पुनः खेल देखने की इच्छा अधूरी रहने के कारण हमें इस तीसरे ब्रह्मांड में आना है पर राज्य उसके लिए भूमिका बांध रहे हैं भूमिका क्यों बना रहे है? क्योंकि हमारी शिकायत क्या थी राज्य से कि ब्रजमंडल में हम सब इकट्ठे थे आप तो बोलते थे जुदाई होगी पर जुदाई तो हुई नहीं तो हमें तो जुदाई वाला खेल चाहिए अलग अलग जगह पर अब राज जी ने क्या किया ऐसा अलगाव किया ब्रज में और रास में सभी एक जैसे तन में थे सभी ब्रजवधुओं के और वहां पर किशोर तनों में थे स्त्री तन में पर यहां जागनी के ब्रह्मांड में पुराण संहिता में में प्रसंग आता है कि पुरुषों भी आई है स्त्रियों में भी आई है, है और किन्नरों में भी आई है जिसको हम नपुंसक कहते हैं ना उनमें भी ब्रह्म सृष्टि की सुरताएं आई है कोई कोई तीन भाग कर दिए इतने से मन नहीं भरा तो क्या किया किसी को भेजा किसी संप्रदाय में किसी को किसी संप्रदाय में किसी को गुजरात भेजा किसी को मध्य प्रदेश किसी को उत्तर प्रदेश किसी को पंजाब किसी को नेपाल किसी को बंगाल अलग अलग प्रांतों में आसम में भी भेजा ठीक है कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा तो अलग अलग प्रांतों में भेजा उसके बाद संप्रदाय अलग अलग हो गई भाषाएं अलग अलग हो गई ठीक है तो इन सभी अलग अलग स्थानों में भेजने से पहले अब अलग अलग जगह पे है बंटवारा तो किया पर इकट्ठा करने के लिए भी तो रास्ता छोड़ना था ना इसलिए मुहम्मद साहब के माध्यम से वो रास्ता बनाने के लिए उन्होंने अक्षर की सूरता को भेजा बरारब अर्थात अरब में मुहम्मद तो एक शोभा है मोहम्मद का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य जिसकी महिमा का वर्णन किया ना जा सके उसको मोहम्मद कहा जाता है उस तन का नाम है मुस्तफा उनके पिता का नाम था पंडित अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना मोहम्मद साहब लगभग छह वर्ष के थे तब तक उनके पिता और माता दोनों का देहावसान हो चुका था जन्म उनका कब हुआ ये तो आपको मैंने बता ही दिया ईस्वी सन 570 में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद उनके जाने के बाद मतलब उनके माता पिता के जाने के बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया था तो उनका पालन पोषण किन परिस्थितियों में हुआ किस तरह से कुरान का ज्ञान उनके द्वारा आया किस तरह से इस्लाम मत की उनके द्वारा स्थापना हुई इस्लाम जिसका अर्थ तो होता है शांति का मार्ग पर वर्तमान में सबसे ज्यादा अशांति इसी मार्ग के द्वारा फैल रही है जिसमें बहत्तर फिरके हैं शिया सुन्नी, सुफी, बहाई, बरेलवी, देवबंदी अहमदिया इत्यादि तो ऐसा क्यों है कुरान तो एक ही है पर इतने सारे मत मतांतर क्यों हैं? किन परिस्थितियों में कुरान का अवतरण हुआ और मोहम्मद साहब के जाने के बाद कैसी कैसी परिस्थिति थी जिस जिन परिस्थितियों में ब्रह्म सृष्टियों का इस संसार में आगमन हुआ उसकी चर्चा क्योंकि समय आज पूरा हो चुका है उसकी चर्चा सुनेंगे हम कल चर्चा का समय आप सबको पता है साढ़े तीन बजे से साढ़े चार बजे तक चर्चा का समय है तीन बजे से वाणी गायन इत्यादि हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं तो जितने भी सुंदर साथ हैं समय पर पहुँचें तो आपको पूरी चर्चा का लाभ मिलेगा और आज जो सुंदर साथ बीच में आए हैं आपसे आग्रह है कि जनपीठ के यूट्यूब चैनल पर ये चर्चा जो है वो एक दिन बाद प्रसारित की जा रही है क्योंकि इंटरनेट की सुविधा इतनी नहीं है कभी मौसम खराब हो जाता है लाइव हम इसीलिए जानबूझकर नहीं दे रहे हैं कि इंटरनेट बाधित ना हो बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो रिकॉर्डेड लाइव दिया जा रहा है यूट्यूब चैनल एस पर तो आप पिछले दिनों की चर्चा के साथ साथ में इस चर्चा को भी सुन सकते हैं अब समय पूरा होता है चौपाई दो रही। रास, लीला खेल के रास लीला खेल के आए बरारब में तहा बात सब जाहिर करी चलिया मार्ग इन से चलिया मार्ग इन बोले श्री प्राणनाथ बोले श्री सदगुरु महाराज